हजार का 1600, हजार का 1600, हजार का 1600। हाँ भैया, शांति का प्रतीक माना ही जाता है, शांति का देश ही है ये बिल्डिंग। हो गया यहाँ से ये पीछे ये वाइट ये। ये हमें ये तिवारी जी है, ये कपूर जी है, ये दिवाकर जी है, ये सुहाना जी है, ये देखिए पायलट जी है। और यहाँ पे वोटिंग हो रही है, वो वोटिंग हो रही है, वो वोट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, कार म्यूजिकम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज लेके आया हूँ एक और नया वीडियो। और गाइज, आज हमें हो गए हैं 4 दिन, मतलब आज हमारा 4th दिन है। हम लोग दिल्ली से चले थे और जो इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे थे अपनी 2020 क्विड RXL से, तो उसमें आज हमने बताया था कि हम पूरा जो रिवील करने वाले हैं कि किस कंट्री में हम लोग जाने वाले हैं। ऑलमोस्ट तो लोगों को पता ही है क्योंकि जो अयोध्या वाला कल का वीडियो आया उससे लोगों ने अंदाज लगा लिया था कि हम लोग नेपाल जाने वाले हैं। सो नेपाल हम लोग आ चुके हैं, लुम्बिनी जो कि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है वहाँ पे हम लोग हैं। तो अब हमारी गाड़ी कहाँ है? देखो, हमारे पीछे गाड़ी तो दिख नहीं रही, हमारी कार तो हमारे पास है नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम आपको इस वीडियो में दिखा देंगे। लाइक कि हम क्यों गाड़ी लेके एंटर नहीं हुए, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आई हमें, वो चीज़ें हम आपको दिखा देंगे। तो अगर हम मेन कारण बात, मतलब जो मेन पॉइंट है कि गाड़ी लेके नहीं आए, उसकी बता दें क्या? एक्चुअली हम लोग अपना जो ओरिजिनल RC था वो भूल आए थे दिल्ली, तो हम एंटर कर गए नेपाल में और फिर हमें बैक कर दिया गया। बिकॉज यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, भंसार मींस एक टैक्स होता है, परमिट होता है गाड़ी को इस रुकना है। सो एक परमिट के लिए हमें रोक दिया गया, तो हमने बॉर्डर पे गाड़ी खड़ी कर दी है। काफ़ी अच्छी जगह खड़ी हो गई जिस होटल में हम लोग रुके थे उस पार, मतलब इंडिया में। सो अब कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कैसे बॉर्डर में इंटर हुए और क्या क्या हुआ हमारे साथ। सो गाइज, ये है भारत का आखिरी गांव, आप देख सकते हैं ये बॉर्डर है और यहाँ पे हमारी गाड़ी की एंट्री वगैरह हो रही है। और ये है पीछे, ये देखिए ट्रक वगैरह की लाइन लगी हुई है। ट्रक के बाद अगर आप आगे देखेंगे आप पूरा चेकिंग वेकिंग होगी। आफ्टर दैट ये ट्रक, ये बॉर्डर का वो लगा हुआ है आगे है। अभी हम देखिए यहाँ पे नेपाल में है और नेपाल का बॉर्डर है, आप देखेंगे इस साइड में इंडिया है। फिलहाल तो ये तिवारी जी हैं, ये अजय भाई हैं, ये हमारे ABC भाई हैं। तो अभी हम लोग नेपाल इंडिया, नेपाल इंडिया, नेपाल इंडिया। सो यहाँ पे हम लोग अभी पैसे चेंज करा रहे हैं, पैसे नहीं रुपए दिए हम लोगों ने इनको। सो जब हमारे पैसे चेंज हो जाएंगे फिर हम वहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे, खर्चा कर पाएंगे, खा पी पाएंगे और भी बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे। भैया ये देखिए इंडिया रुपए का हमको इतना सारा पैसा मिल गया, हजार का 1600, हजार का 1600, हजार का 1600। तिवारी जी पैसे वाले हो गए तुम तो, देखना इधर तिवारी जी पैसे वाले हो गए। ABC भाई रख लिया तुमने? नहीं, आपने अंडरग्राउंड मतलब बहुत पैसा। ये देखो कितना सारा पैसा, ये देखो। सो गाइस, आपने देखा और आपको पता चल गया कि हमें नेपाल में हम इस जगह लुम्बिनी करके एक जगह वहां पे हैं और हमें एक अपॉर्चुनिटी या एक कोइंसिडेंस या कुछ भी बोल सकते हैं, दो दोस्त मिल गए हैं जो कि नेपाल के हैं। उन दोस्तों ने बहुत हेल्प की, अभी भी वो हमारे कैमरे को ऑपरेट कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट अब मैं मिलाता हूँ आपको उनसे और वो बताएंगे कि हम आज क्या क्या घूमने वाले हैं। सो गाइज, ये हैं वो एवरोड के हमारे फ्रेंड जिन्होंने काफ़ी हेल्प की हमें बॉर्डर पे। जब ये लोग मिल गए, बॉर्डर से लगभग 10 किलोमीटर दूर आप लोग मिल गए थे ना? 10 किलोमीटर। एक बार जिस बॉर्डर से हम लोग एंटर किए उसका नाम बता सकते हो क्या? खुनुआ बॉर्डर। खुनुआ से हम लोग एंटर किए। और आप लोग किस जगह से हैं? तौलीवा कपिल वस्तु। सो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, आप देखेंगे होटल जिसमें हम लोग रुके हुए हैं, होटल जेड ब्लैक, काफ़ी अच्छा है, नो डाउट काफ़ी अच्छा, मतलब इनका जो एक रूम सर्विस है या लाइक सफाई वफाई सब कुछ अच्छा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मींस अगर हम बात करें तो ये 1600 नेपाल की जो करेंसी है उसमें मिल जाएगा, 1600 रुपया ना, इंडियन बोले तो हमें 1100-1200 रुपये में मिल जाएगा। और अभी इनका होटल स्टार्ट ही हुआ है, सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन वगैरह भी किया है और हम लोग अच्छे से रुक पाए। ये जो जगह है, मतलब जहाँ पे आज हम लोग हैं वहाँ पे क्या क्या घुमाएंगे और अपना थोड़ा सा नाम इंट्रोडक्शन दोनों दोस्तों का बताओ इधर प्लीज़। मेरा नाम दिवाकर यादव है, मैं कपिल वस्तु से ही बिलोंग करता हूँ, यहीं का लोकल ही समझ लीजिए। यहाँ पे हम आज माया देवी मंदिर घूमेंगे, काफ़ी सारी मंदिर है यहाँ लुम्बिनी में घूमने के लिए। सबसे खास मंदिर तो माया देवी मंदिर है, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ पर जाएँगे और काफ़ी सारी मंदिर है, सब घूमेंगे आज। और जो हमारी फ्लाइट बुक हुई है, लाइक हम कल यहाँ से काठमांडू निकलेंगे, सो काठमांडू की फ्लाइट हमारी जो बुक हुई है वो कहाँ से हुई है एक बार बताइए? वो बहरावा एयरपोर्ट से हुआ है। बहरावा यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 22 किलोमीटर। सो कल हमारी मॉर्निंग की फ्लाइट है गाइज। और इंटरनेशनल ट्रिप में हमने कार वहाँ पे क्यों खड़ी कर दी, आई थिंक हमें फ्लाइट में भी घूमना था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल करूँगा बाई एयर
और हम एब्रॉड में फर्स्ट टाइम एक फ़्लाइट का यूज़ करेंगे, उसमें तिवारी जी भी फर्स्ट टाइम है, एबीसी भी फर्स्ट टाइम है, अमित भास्कर चौधरी जिनका नाम हमने रख दिया है जॉन एलिया साहब, और अजय भाई ऑलमोस्ट कई बार ट्रैवल कर चुके हैं, तो हमारे लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो गई कि हमारी गाड़ी वहाँ रुक गई तो हमें प्लस पॉइंट मिल गया फ्लाइट में घूमने का मौका। सो अभी जो हमारा दोस्त है दिवाकर और भाई हमारे हैं, ये दोनों आपस में दोस्त हैं और ये हमें मिले एक होटल में और इन्होंने काफ़ी हेल्प की, नो डाउट हमें जो एक प्रॉब्लम होने वाली थी कैसे घूमेंगे क्या करेंगे कहाँ रुकेंगे, वो लोकल लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा सस्ता भी हो गया ना हमारे लिए, तो काफी हेल्प मिल गई। सो दिवाकर भाई चलें शुरू करें आज का ये, चलें आज से स्टार्ट करते हैं अभी, तो चलिए शुरू करते हैं, आज एक्सप्लोर करेंगे हम नेपाल का, ये कौन सी जगह है? लुम्बिनी। लुम्बिनी। सो गाइज अभी हम लोगों ने पैदल यात्रा शुरू की है और ये तपोभूमि है, मतलब एक जो जन्मभूमि है, ये काफी ज्यादा मतलब बोलते हैं यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स हमें लग रही हैं, और अजय भाई बताएंगे कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, और सबसे अच्छी चीज ऐसा लग रहा है हम गाँव में घूम रहे हैं अपने, क्योंकि इन दोस्तों ने चार चांद लगा दिए हमारे ट्रिप में, वाकई वर्थ है एक दूसरे देश में जाके दोस्त का मिलना, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट गाइड मिलेंगे आपको, बहुत सारे पैसे मांगेंगे ये वो, लेकिन भाई मतलब मैं कितनी तारीफ करूं, आई थिंक इनकी मेहनत के बराबर नहीं होगी। सो ऑलमोस्ट हम लोग निकल चुके हैं, अब देखते हैं हम क्या क्या आज एक्सप्लोर करेंगे इस जगह पे जिसका नाम है लुम्बिनी। गाइज अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं बुद्ध जी की जन्म स्थली पे और ये गेट नंबर 3 है, आप देख सकते हैं, शायद अंदर हमें कैमरा इतना ज्यादा यूज ना करने दिया जाए, सो मैं आपको एंट्रेंस दिखा दे रहा हूँ, ये गेट नंबर 3 है और यहाँ पे सामने इंडियन बॉर्डर भी है 4 किलोमीटर आगे चल के, सो रोड वगैरह भी काफी अच्छी है, बाकी हमें एब्रॉड वाली फीलिंग आ रही है। सो ये गेट है, अब देखते हैं गेट पे हमें कुछ रोका जाएगा टोका जाएगा या कुछ गाइडलाइंस दी जाए, नो गाइडलाइंस, आप लोग जा सकते हैं, नो चेकिंग। सो यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ बढ़ते हुए, सो सब लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब यहाँ पे ई रिक्शा वगैरह कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा पूरा दिन है तो हम इसमें आनंद लेंगे पैदल यात्रा का, जैसे गोवर्धन यात्रा करते हैं, और भी जो एक वॉक करने का मजा होता है वो अलग ही होता है। सो हम लोग सब लोग काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, आप देखिए, ये देखिए सारे लोग एकदम मस्ती से जयकारा भरते हुए चल रहे हैं, एकदम मतलब मजा आ गया। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ब्रिज मिला है और इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, काफी शांति है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ लिखा भी है आप देख सकते हैं, महाराज इसमें फोन वोन भी कुछ मेंशन किया है, इसका लैंग्वेज तो मैं नहीं पता, बट ठीक है काफी अच्छा है, शांत है, सबसे अच्छी चीज है ना, एक शांति की प्राप्ति हमें हो रही है जिसकी तलाश में हम लोग निकले। गौतम बुद्ध जी का मानना भी जाता है कि शांति का प्रतीक, और कुछ खास बात बताइए यहाँ के बारे में? यहाँ वही शांति का प्रतीक माना ही जाता है, शांति का देश ही है। गाइज अभी हम लोग बौद्ध जन्म स्थली पे जाने वाले हैं और आप देखेंगे सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी, ये देखिए यहाँ पे बोट चलती है और पूरा ये ब्रिज वगैरह है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, नो डाउट ये पूरा मतलब एक जो हमारा इंटरनेशनल ट्रिप था उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा फील हमें दे रहा है। ये तिवारी जी भी देखो थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे हैं, सो सभी लोग काफ़ी खुश हैं। सो गाइज अभी हम लोग एक एडवेंचर राइड का भी लुत्फ लेने वाले हैं, ये देखिए सारे लोग टिकट लेके खड़े हुए हैं, गाइज अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं स्पोर्ट में और पूरा एक ब्लॉग तैयार करने वाले हैं जो कि काफी मजेदार होगा। ये हम हैं, ये तिवारी जी हैं, ये कपूर जी हैं, ये दिवाकर जी हैं, ये देखिए पायलट जी हैं, और यहाँ पे बोटिंग हो रही है, बोटिंग हो रही है। ये है गाइज ऐसी ज्योति जो जलती रहती है बरसात में, किसी भी मौसम में ये बंद नहीं होती, सो ये देख सकते हैं आप। अभी हम आगे जा रहे हैं और ये देखिए स्टैचू बना हुआ है और इसके आगे मंदिर है, तो जहां तक कैमरा अलाउ है हम लोग यूज करेंगे, और काफी अच्छा है, लोग काफी घूम रहे हैं, काफी इंजॉय कर रहे हैं इस प्लेस को, नो डाउट आज का जो मौसम है वो भी काफी अच्छा है। सो गाइज अभी हम लोग एक बहुत ही शांत जगह पे बैठे हुए हैं और जन्मस्थली भी यहाँ से दिख रही है, लेकिन यहाँ पे वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर सकते बिकॉज कई जगह लिखा हुआ था कि यहाँ पे वीडियो शूट करना मना है। सो हम आपको बर्थ प्लेस एक बार कैमरा राउंड करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा कैमरा राउंड करिए, ये बर्थ प्लेस है वो देखिए, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांत है। अब चलते हैं आगे अपनी यात्रा को करते हैं कंटिन्यू। सो गाइज अभी हम यहाँ के जो टेम्पल हैं पूरा घूम रहे हैं, पीछे भी आप देखेंगे वाइट टेम्पल है, काफ़ी अच्छा है, और ये देखिए
इस तरीके का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। टोटली अगर हम बात करें तो काफ़ी शांत जगह है ना तिवारी जी? जी बहुत एकदम मतलब पॉजिटिव वाइब्स हमें आ रही हैं। सो ये पूरा जो लुम्बिनी का हमारा था ट्रिप वो आई थिंक आज कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो गया। सो ये व्यू है कुछ इस तरीके का, मैं 360 डिग्री एंगल घूम के दिखाता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं, ये बिल्डिंग हो गया एंड यहाँ से ये पीछे ये वाइट ये। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से बाहर, जो बर्थ प्लेस था बुद्धा भगवान का वो देख लिया है और अभी भूख भी लगी है सबको क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया सुबह से। क्यों? ऑलमोस्ट कुछ नहीं खाया, ये ऑलमोस्ट काफी फेमस हो गया है। सो अभी हम लोग चलते हैं बाहर और कुछ खाते हैं और क्योंकि कल हमारी 10 बजे की फ्लाइट है तो शायद अब हम कुछ इसमें ऐड ना करें, एक ही प्लेस घूम पाए हम क्योंकि हमने कोई आई थिंक यातायात का साधन नहीं लिया आज। पैदल यात्री थे और ये हमारे मतलब जो फ्रेंड है नेपाल के, इन्होंने काफी हेल्प की और इन्होंने बोला कि यार पैदल ही घूमते हैं मजा आएगा। सो अब चलते हैं और कल का ये रहेगा कि कल हमारे लिए एक एडवेंचर राइड ये रहेगी, हमारे लिए और तिवारी जी के लिए और जॉन एलिया साहब के लिए, कि हम लोग पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठेंगे। नहीं फ्लाइट में ही पहली बार बैठेंगे जो सच है वो है फ्लाइट में और इंटरनेशनल फ्लाइट वो भी इंटरनेशनल और तिवारी जी के साथ, वो भी अमित भास्कर चौधरी जॉन एलिया साहब जैसी महान शख्सियत के साथ। इनको अगर आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे क्योंकि ये जॉन एलिया साहब है, खून थूकते हैं और ये हमारे दोस्त भी काफी हेल्पफुल मिले। हमारा जो ट्रिप था आज का, जो भी हमारा आज का घूमना था वो हो गया और फाइनली हम लोग नेपाल में हैं। जैसा कि मैंने बोला था आपको, पूरा अपना जो लोकेशन है वो डिस्क्लोज कर दिया, जो नाम था उस कंट्री का, जो एब्रॉड विदेश यात्रा कर रहे थे वो यही थी। सो करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं कल एयरपोर्ट पर।